टीकमगढ़ में मानवाधिकार संगठन जबलपुर ने फ्रंट लाइन डॉक्टर का स्वागत किया। इस दौरान कोरोना में डॉक्टर्स के सराहनीय कार्य के लिए उन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। मानवाधिकार संगठन जबलपुर के प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट शाहिद खान के नेतृत्व में शासकीय हॉस्पिटल में सभी फ्रंट लाइन वॉरियर डॉक्टर्स का स्वागत किया गया। संगठन ने कोविड-19 की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले डॉक्टरों का सम्मान किया। शहीद खान ने बताया कि कोरोना से लड़ने में डॉक्टर की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही है और वे ही सही मायने में वॉरियर हैं। इस मौके पर डॉक्टर्स को एक स्मृति चिन्ह के साथ प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से बार एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष एडवोकेट रघुवीर सिंह तोमर, उपाध्यक्ष अखिलेश नापित के साथ मुख्य अतिथि के रूप में सिविल सर्जन डॉक्टर अमित चौधरी, डॉक्टर सौरभ जैन और कई डॉक्टर मौजूद रहे। आए हुए इस वक्त डॉक्टर्स का स्वागत अभिनंदन भी किया गया। ये मानवाधिकार संगठन की तरफ से ये प्रोग्राम था, मैं इस प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजर था। डॉक्टर्स हमारी समाज में फ्रंटलाइन का काम करने वाले व्यक्ति हैं और इन्होंने जो कार्य किया है ये सही मायने में कोरोना से लड़ने में यही लोग सबसे आगे रहे हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।